जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज एक बहुत सहज वशीकरण प्रयोग बता रहा हूं ये वशीकरण प्रयोग उन लोगों के लिए अति लाभकारी है जिनके प्रियजन उनके दुश्मन हो गए सामान्य स्थिति में इस वशीकरण का प्रयोग नहीं करना ही हितकारी होता है इस वशीकरण में दो देवताओं का समन्वय है दो देवताओं का एक साथ पूजा होता है एक भैरव और एक उनके अधीन कामदेव का भैरव जो भय को हरते हैं और कामदेव जो कामुकता, कामुकता का मतलब लोग समझते हैं कि वो काम वासना से होता है लेकिन कामुकता का मतलब होता है जो आपका कामना है जब आपके जीवन में शत्रु होते हैं तो एक भय होता है और भय को हरने वाले भैरव और आपकी कामना की उससे आपकी मित्रता हो जाए और वो है कामदेव ये दोनों जब साथ होते हैं तो जो परम शत्रु है वो भी मित्र बन जाता है वो भी मैत्री करने के लिए आता है ये मंत्र बहुत गुप्त नहीं है लेकिन बहुत प्रचलन में नहीं है क्योंकि लोगों को इसका विधान नहीं पता है आज मैं आपको इसका विधान बताऊंगा सर्वप्रथम किसी भी रविवार को भैरव मंदिर जाइए ठीक है भैरव जी के विग्रह पे तीन बेलपत्र उस व्यक्ति के नाम का चढ़ाइए जिस व्यक्ति को आप सम्मोहित करना चाहते हैं या जिस व्यक्ति से आप अपना संबंध सुधारना चाहते हैं और ये कहते हुए कि मेरा नाम ये है मेरा गोत्र ये है और मैं अमुख व्यक्ति को वश में करना चाहता हूँ उससे अपनी शत्रुता का निराकरण चाहता हूँ ऐसा बोल के तीन बेलपत्र को आपको भैरव जी के चरणों में रख देना है मंदिर में जो भी व्यवस्थापक हो उनको बोलना है कि ये बेलपत्र कल सुबह तक नहीं उठाएंगे मतलब दूसरे दिन आप ही जाके उस बेलपत्र को उठाए ठीक है उस बेलपत्र को जब आप उठाने जाए तो अपने साथ भैरव जी के लिए चाहे तो शराब लेकर जाए या फिर शुद्ध महुआ का जो फूल होता है उसको जल में और गुड़ के साथ मिला करके रात भर छोड़ें और दूसरे दिन उसको लेके जाएं ये जो दूसरा वाला मैंने बताया ये ज्यादा उत्तम है उसको भैरव जी को अर्पित अर्प अर्पण करें आप तीन बार कानी उंगली से ठीक है उसी बेलपत्र पर फिर आज्ञा लेकर के वो बेलपत्र और ये जो आपने आ, महुआ से शराब बनाया है वो लेकर के आप घर पर आ जाए देखो बेलपत्र एक ऐसा चीज है जिसका प्रयोग पूजा में सात बार हो सकता है शिवपुराण के अनुसार अगर आपने बेलपत्र चढ़ाया है और आपके आज रोज बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो आज जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है उसको धोके कल फिर चढ़ा सकते हैं ऐसा आप सात बार कर सकते हैं आपको ध्यान होगा जो शिव कुबेर मंत्र मैंने दिया था धन प्राप्ति के लिए उसमें भी विधान यही था कि शिवालय में जो बेलपत्र चढ़ के दूसरे दिन हटा दिया जाए उस बेलपत्र को लाके फिर से पूजा करना है ठीक है उसी तरीके से जो भैरव जी को एक दिन पहले आपने बेलपत्र चढ़ाया उसको घर ले आएंगे और वो जो मध आपने भैरव जी को अर्पण किया था उससे उस व्यक्ति का नाम इस पत्ते पर लिखेंगे जैसे एक बेलपत्र में तीन पत्ता है टोटल नौ बार उस व्यक्ति का आप नाम लिखेंगे ठीक है उसको किसी चौकी पर रखेंगे ठीक है भैरव जी के नाम से वहां चौमुखा दिया जलाएंगे कि हे भैरव देवता यहाँ उपस्थित होके मेरे पूजा को ग्रहण करो और मेरी जो भी मनोकामना है मनोरथ उसकी पूर्ति करो एक दिया कामदेव के नाम पर जलेगा जो भैरव जी का दिया है वो चमेली का जलेगा जो कामदेव का दिया है वो घी का जलेगा और उनको भी ऐसा ही आह्वान करना है हे कामदेव देवता यहाँ उपस्थित हो और मेरी मनोकामना की पूर्ति करें तीन अगरबत्ती जलाएंगे या तीन धूप जलाएंगे भोग देंगे भैरव बाबा को जलेबी का या जिस भी चीज का आपके समर्थ पर है वो आप क्या देना चाहते हैं ठीक है ये पूरा विधान जो है ये नौ रात्रि तक चलेगा आठ रात्रि जाप चलेगा और जो नौवीं रात्रि होगी उस दिन आप दशांश हवन करेंगे ठीक है अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूं मंत्र ध्यान से सुनिए ओम नमो बटुक भैरवाय काम देवाय दृश्यो भवामी यस्य च यस्य च मम सुखम तम तम मोहयतु स्वाहा ठीक है इस मंत्र से आप आठ माला का रोज जाप करेंगे उसके बाद आपके जीवन में समृद्धि आए इसके लिए एक माला फिर जाप करेंगे ओम रोम रिम रूम ह्रीम हुम ओम क्या है ओम ह्रॉम ह्रिम ह्रुम ह्लिम ओम फिर से सुनिए ओम ह्राम ह्रिम ह्रुम ह्लिम हुम ओम ठीक है तो ये जाप आप एक माला करेंगे और जो इससे पहले जाप बोला उसको आप करेंगे आठ माला इस पूरे विधान को आप आठ रात्रि तक निरंतर करेंगे आठवें रात्रि को रोज आप आ, वो जो बेलपत्र है उसकी पूजा करेंगे वो आपने आठ रात्रि तक कर लिया ठीक है नौवे रात्री, जब आप आप हवन करेंगे तो आप तिल लेंगे, गु, गुगल लेंगे ठीक है और दोनों को बहुत सारे मधु और बहुत सारे घी में मिला लेंगे ठीक उसके बाद आम की लकड़ी जिसमें गाठ ना हो उसका त्रिकोण मना करके हवन करेंगे त्रिकोण कैसे बनता है राइट से सेंटर तक पहला फिर सेंटर से लेफ्ट तक दूसरा फिर लेफ्ट से राइट तक तीसरा ऐसे नौ बार हम लोग लकड़ी चढ़ाते हैं उसके बाद एक कोपर या किसी भी चीज में अग्नि को प्रज्वलित करेंगे कि हे भैरव देवता हे कामदेव देवता तुम भोग को स्वीकार करो और उसके बाद दशांश मतलब आठ दिन में आपने चौसठ माला किया तो दशांश कितना करेंगे तो करीब करीब सात माला दशांश और जो सुख समृद्धि के लिए आपने एक माला किया उसका एक माला आप हवन करेंगे ये जब आप हवन कर लेंगे अंत में जो आपके पास नौ पत्ते हैं उसमें आठ पत्ते को वशीकरण मंत्र के साथ मधु में डुबा के और फिर हवन कुंड में डालेंगे और नौवा जो है उसको जो मैंने एक दूसरा मंत्र दिया खुश रहने वाला उस मंत्र को पढ़ के फिर मधु में डुबा करके और फिर हवन कुंड में अर्पित कर देंगे ये जो एक अलग से मंत्र दिया हुआ है जो खुश रहने के लिए मंत्र है उसके पीछे कारण ये है कि लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं लोगों को जो मिल जाए उसके बाद भी वो तृप्त नहीं होते हैं उनको संतोष नहीं होता है और आप जब किसी पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मंशा ये होती है कि जब तक अगला पूरा समाप्त ना हो जाए तब तक आप आपका अगला जिस पर आप तंत्र कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी देवी देवता का भक्त होगा और उसका भी बचाव एक अपना सिस्टम होगा बहुत कम लोग होते हैं जो कोई प्रार्थना नहीं करते तो उस स्थान पर जहां एक समन्वय स्थापित हो जाए वहां तक जाकर के बात रुके और आपको कोई विपरीत तंत्र का सामना ना करना पड़े इसीलिए मंत्र है आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इसमें हम आपको आसन बंधन और जो भी गुरु मंत्र से पहले का विधान है वो सब आपको सिखाते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए मी फॉर ऐप पर ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में आपको मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड कीजिए उसमें रूद्रनाथ एट सी फोर आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए डब्ल्यू पर जाइए आज के लिए इतना ही आप सब लोगों की सारी दुश्मनी समाप्त हो जाए ऐसी भैरव बाबा से मेरी प्रार्थना है आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश